नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 11 दिसंबर ये वो तारीख है जिस दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में बीजेपी अपनी सत्ता बचा सकती है या गंवा सकती है। राजस्थान के 33 जिलों के 33 पत्रकारों से 200 में से 199 सीटों पर कौन सी पार्टी जीत सकती है, ये पूछा है हमने। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान के पत्रकारों के एग्जिट पोल में कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी हार रही है। रीजन वाइज एक एक करके आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे और आपको बता दें 6 रीजन में हमने बांटा है राजस्थान को। सबसे पहले बात मध्य राजस्थान की करते हैं और उसके आंकड़े आपके सामने है। मध्य राजस्थान में कुल 36 सीटें हैं, 4 जिले आते हैं। एक एक जिले के हिसाब से आपको बताएं, अजमेर के 8 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में, 4 कांग्रेस पार्टी, जबकि 2 अन्य के खाते में जा रही है। बात दौसा की करें तो वहां पर कुल 5 सीटें हैं जहां पर 4 बीजेपी जीत रही है, 1 कांग्रेस। जयपुर के 19 यानी कि सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आ रही है, जिस पर सिर्फ 5 पर बीजेपी जीत रही है। 12 सीटों पर कांग्रेस को यहां पर बढ़त मिल रही है, 2 अन्य के खाते में। जबकि टोंक की बात करें जहां से सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष खुद मैदान में है, प्रदेश अध्यक्ष, उनके खिलाफ यूनुस खान को बीजेपी ने उतारा है, वहां की 4 में से 1 सीट बीजेपी, 3 कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई। और अब कुल सीटों का आंकड़ा जल्दी से आपके सामने रखते हैं। 36 में से देखिए बीजेपी 12 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर, यहां पर सीधे 8 सीटों का बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ, अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। यानी कि मध्य राजस्थान से कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है। 36 में से 20 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, 12 सीटों पर बीजेपी, जबकि 4 सीटों पर अन्य अपनी बढ़त बना रहे हैं। मध्य राजस्थान के एक्सपर्ट प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, इन आंकड़ों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। इस चुनाव के अंदर देखा गया है कि 12 स्थानों पर जो 19 जिलों, जयपुर जिले की 19 सीटें, उसमें 12 स्थानों पर कांग्रेस बहुत मजबूती पे है। नहीं, ये जो हम बता रहे हैं मध्य राजस्थान की 36 में से 20 पर कांग्रेस, 12 पर बीजेपी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? तस्वीर क्या मध्य राजस्थान की ऐसी ही रहने वाली है? मध्य राजस्थान में तस्वीर करीब करीब यही रहने वाली है, करीब करीब यही रहने वाली है। ठीक है, राजस्थान एक्सपर्ट अजय सेठिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विजय विद्रोही राजस्थान में 3,500 किलोमीटर की यात्रा करके वो लौटे हैं। पहले अजय सेठिया जी, इन आंकड़ों पर आपकी टिप्पणी। कांग्रेस यहाँ पर बहुत बड़ी बढ़त बीजेपी के ऊपर हासिल करती हुई। मैं इससे सहमत इसलिए नहीं लगता क्योंकि अजमेर और जयपुर दोनों भाजपा के गढ़ रहे हैं और भाजपा इतनी ज्यादा नीचे कमजोर हो जाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा है। कम से कम जयपुर में मुझे लगता है कि भाजपा की सीटें इतनी कम नहीं होंगी, भाजपा की बढ़ेंगी। और अजमेर में भी मुझे 4-4 लगता है। मतलब आपको लग रहा है कि अजमेर और जयपुर जो कि भाजपा का गढ़ रहा है वहां पर भाजपा अच्छा करेगी, इन आंकड़ों के साथ आप नहीं जा रहे हैं? भाजपा इससे बेहतर करेगी। ठीक है, देखिए जो पत्रकारों ने ये जो अपना एग्जिट पोल दिया है जिसमें कांग्रेस को इतनी सारी सीटें जयपुर जैसे गढ़ में और अजमेर जैसे गढ़ में दी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उससे हमें सहमत इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री को जयपुर में एक रैली करनी पड़ी। सबके सब कह रहे थे कि जयपुर तो गढ़ है, जयपुर में रैली करने की, प्रधानमंत्री को अपना वक्त खराब करने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है बीजेपी भी कहीं ना कहीं समझ रही थी और इसलिए प्रधानमंत्री की रैली करानी पड़ी। और प्रधानमंत्री की रैली कराने के बावजूद अगर जयपुर के अंदर बीजेपी की सीटें घट रही हैं तो आप फिर मान के चलिए कि ग्रामीण क्षेत्रों का क्या होगा। हड़ौती में कौन मारेगा बाजी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? जल्दी से उसके आंकड़े आपके सामने रखते हैं। कुल 17 सीटें हड़ौती में सामने आ रही हैं और यहां का एक एक जिलों की बात करें, 12 जिले में कुल 4 सीटें बीजेपी 2 कांग्रेस 2 पर जीतती हुई। बूंदी में 3 सीटें हैं, 1 पर बीजेपी 2 पर कांग्रेस। झालावाड़ में 4 सीटें, 3 पर बीजेपी 1 पर कांग्रेस पार्टी। और कोटा की बात करें तो यहां की कुल 6 सीटें जिसमें 2 पर बीजेपी 4 पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। कुल यहां पर 17 सीटें बीजेपी 8 पर, कांग्रेस पार्टी 9 पर बाजी मारती हुई, अन्य के पास कुछ नहीं जाता हुआ। यानी कि यहां पर कांग्रेस को बढ़त है बीजेपी के खिलाफ। सुनील जी, ये आंकड़ा क्या कहता है हड़ौती का? 2013 में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, बीजेपी को 16 सीटें मिली 17 में से। बिल्कुल, पूरा वर्चस्व बीजेपी का था। इस बार हमको लगता है 8 से 9 सीटें कम हो मिलेगी बीजेपी को। तो वो आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं, मतलब आप इन लोगों के साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सही है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बीजेपी शुरू हड़ौती बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन वसुंधरा बहुत कमाल नहीं कर पा रही है इस रीजन में, जबकि उनका तो ये इलाका रहा है, उनका ये गढ़ है, उसके बावजूद नहीं। लेकिन जो एंटी कैंपेनिंग वहाँ पर लोकल जो है उनके प्रति विरोध नहीं है। और अब आगे बढ़ते हुए मत्स्य रीजन की हम बात करेंगे। मत्स्य में आपको बता दें कुल सीटें हैं 29,
यहां पर 5 जिले आते हैं और एक एक जिले की हम बात कर लेते हैं। अलवर में कुल 10 सीटें हैं, 2 बीजेपी, 6 कांग्रेस, 2 अन्य के खाते में। भरतपुर की बात करें 7 सीटें, 2 बीजेपी, 4 कांग्रेस, 1 अन्य के पास। ढोलपुर 4 सीटें हैं, 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस यहां पर ढोलपुर में। करौली की बात करें 4 सीटें हैं, ये चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। सवाई माधोपुर की बात करें 4 सीटें हैं, बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है सवाई माधोपुर में और 1 अन्य के खाते में जाती हुई। आपको बता दें राजकुमारी दिया सवाई माधोपुर से विधायक थी बीजेपी की, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर आशा मेड़ा, जो बीजेपी का दामन थामी थी हाल ही में, उनको टिकट दिया है और इस वजह से भी वहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है। और अब टोटल 29 सीटों में से आपको बताते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें। बीजेपी को सिर्फ 5, 29 में से बीजेपी को सिर्फ 5, कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई। यानी कि यहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एवरेज लगाएं तो लगभग 6 सीटें कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही हैं, 2 सीट बीजेपी को नजर आ रही हैं और 2 पर अन्य दलों का वर्चस्व लग रहा है। संभावना है कि शायद यही गणित रहने वाला है। मत्स्य रीजन के एक्सपर्ट प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ है। प्रकाश जी, इन आंकड़ों पर आपकी टिप्पणी। देखिए, जो राजस्थान में जो राजनीतिक बदलाव आया उसमें अलवर और अजमेर के अंदर जब लोकसभा की सीटों के उपचुनाव हुए थे तो अलवर और अजमेर दोनों के सारे विधानसभा सीटों में कांग्रेस जीती थी और उपचुनाव में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार जीते थे। ये मेरी समझ में एक राजनीतिक बिगुल बजा था उस दिन, और उस दिन से पूरे राज्य के अंदर एक संदेश गया कि इस राज्य से, जो वसुंधरा राजे का राज है, उससे जनता नाखुश है कि वो वाली स्थिति जो उपचुनाव के समय थी वो अब बरकरार नहीं रहने वाली। जहां तक अलवर की बात है, अलवर में 2 सीटें जो कांग्रेस की बिगड़ रही हैं वो बागियों के कारण है। अब नाम नहीं लेना इस समय ठीक है। और दूसरी बात जो सवाई माधोपुर और करौली भी इस इलाके में आता है और यहाँ पर मीणा वोट बहुत है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी सा सम्मान वापस लेकर आई थी, लेकिन उसका असर मुझे यहाँ कम से कम ये सवाई माधोपुर में तो मैंने कार्यक्रम किया था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और यहाँ गुर्जर वोट है, लगता है कि गुर्जर वोट एकजुट हुआ है। चलते हैं उत्तर राजस्थान। उत्तर राजस्थान की तस्वीर क्या कहती है, देखिए 39 सीटें हैं उत्तर राजस्थान में और यहाँ पर कुल जिले आते हैं 6, एक एक जिले के हिसाब से। बीकानेर में कुल 7 सीटें बीजेपी को, 2 कांग्रेस को 4 सीटें दे रहे हैं वहां के पत्रकार, 1 अन्य के खाते में। चुरू में 6 सीटें हैं, 3 बीजेपी, 3 कांग्रेस। गंगानगर में 6 सीटें और यहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। 6 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है ऐसा कि वहां पत्रकार मानते हैं। हनुमानगढ़ में 5 जिले 5 सीटें हैं, 1 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य। झुंझुनू में कुल 7 सीटें, 1 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। सीकर में 8 सीटें हैं, सिर्फ 2 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस, 2 पर अन्य। और इस तरह से कुल मिलाकर उत्तर राजस्थान की 39 सीटों में से सिर्फ 9 पर बीजेपी, 26 पर कांग्रेस पार्टी, अन्य 4। कांग्रेस पार्टी 26 सीटें 39 सीटों में से उत्तर राजस्थान की जीत रही है और ये कांग्रेस की बहुत बड़ी कामयाबी। उत्तर राजस्थान के एक्सपर्ट प्रदीप जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, 2013 में 39 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है सुपड़ा तक साफ, 26 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बना ली है। देखिए चित्रा जी, मैंने कल के एग्जिट पोल विश्लेषण में भी कहा था कि जो कल 21 सीटें बताई जा रही थी कांग्रेस पार्टी के लिए और आज आप दूसरा जो विश्लेषण आ रहा है उसमें 26 सीटें बताई जा रही है कांग्रेस की, तो मैंने कल ही आपसे निवेदन किया था कि आने वाले टाइम में उत्तरोत्तर कांग्रेस पार्टी की इस क्षेत्र के अंदर सुधार आएगा। ये सुधार आने का एक कारण है, कांग्रेस पार्टी ने जो यहाँ ग्रास रूट लेवल पे काम किया, बेसिकली यहाँ के जो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो ये शेखावाटी की धरती है, इसने हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया है और ये जहाँ पे ये फसल कांग्रेस की उगती रही उसको कुछ मायनों में बीजेपी ने। 2013 में इनका सुपड़ा क्यों साफ हो गया था वहां पर? 2013 के अंदर एक तो देखिए चित्रा जी, मोदी लहर थी और मोदी लहर के अंदर बच्चा बच्चा कहने लग गया था, घर घर मोदी, हर हर मोदी। लेकिन अब स्थितियां बदली और वो जो मोदी लहर थी, वो मोदी लहर का कहीं कोई असर नहीं दिखा। दक्षिण राजस्थान लेकर चलते हैं आपको। दक्षिण राजस्थान की जनता क्या कह रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। दक्षिण राजस्थान में कुल 35 सीटें हैं, एक एक करके आपको जिले के हिसाब से 7 जिलों में देखिए। सबसे पहला जिला बांसवाड़ा, 5 सीटें, 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी। भीलवाड़ा 7 सीटें हैं, 3 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस। चित्तौड़गढ़ 5 सीटें, 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी।
डूंगरपुर 4 सीटें, 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, यहां पर बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ये दक्षिण राजस्थान का आखिरी जिला प्रतापगढ़, 2 सीटें और ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। राजसमंद में 4 सीटें हैं, 1 बीजेपी और 2 कांग्रेस पार्टी के पास, उदयपुर में 8, 1 बीजेपी और 5 यहां पर कांग्रेस, 2 पर अन्य को उदयपुर में बढ़त मिल रही है। और इस तरह से दक्षिण राजस्थान में कुल 35 सीटें हैं, जिसमें से 11 को बीजेपी जीत रही है, 21 पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, 3 अन्य के खाते में। 35 में से 21 सीटों पर दक्षिण राजस्थान में भी बढ़त, यानी कि अब तक जितने भी रीजन हमने आपके सामने रखे हैं, कहीं पर भी बीजेपी आगे नहीं है, हर जगह वो कांग्रेस के पीछे खड़ी है। कुंजन आचार्य जी दक्षिण राजस्थान के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। कुंजन जी, इन आंकड़ों पर आपकी टिप्पणी। देखिए, कल जो हम लोगों ने एग्जिट पोल का विश्लेषण किया था, इसमें और इसमें थोड़े आंकड़े में थोड़ा अंतर आ गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस गेन तो कर रही है, लेकिन इतना नहीं कर रही है जितना ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, मूल मुद्दा जो था इश्यूज के बेस पे, तो सबसे बड़ी जो बात थी वो थी भीतरघात की। जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो सिटिंग एमएलए थे वो खुद बागी हो गए। इसके अलावा भी जो बीजेपी के साथ में जो लोग दिखाई पड़ रहे थे वो अंदर से दिखाई नहीं पड़ रहे थे, बाकी बाहर से वो लोग बागी बन गए थे। दूसरी जो इशू थी उसमें एक बाकी सारी चर्चाओं में एक चीज़ नहीं आई, बीटीपी एक पार्टी खड़ी हुई थी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जिसने उदयपुर सीटों पर भी असर किया था। भारतीय ट्राइबल पार्टी, ये एक ऐसी पार्टी जिसने आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एक बहुत बड़ी मुखर समस्या उठाई। उन्होंने कहा कि ये राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ। बड़ी बहुत मजबूती से कांग्रेस उभरी है। कांग्रेस के लिए अगर ऐसी प्रचंड स्थिति है तो इसके पीछे की वजह क्या है? मैं आऊंगी राजा जी आपके पास। जरा मैं आखिरी रीजन हम ले लेते हैं, पश्चिमी राजस्थान, अपने दर्शकों को अब लेकर चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में 43 सीटें हैं और यहां पर आपको बता दें कुल 7 जिले हैं। इन 43 सीटों में से किस जिले में कितना, बाड़मेर में कुल 7 सीटें, 1 बीजेपी, 4 कांग्रेस जीतती हुई, जैसलमेर में 2 सीटें, दोनों पर बीजेपी बाजी मारती हुई, जालौर में कुल 5 सीटें हैं जिनमें से 3 पर कांग्रेस, 2 पर अन्य का खाता खुल रहा है, जैसा कि वहां के पत्रकारों ने बताया है। जोधपुर की बात करें 10 सीटें हैं, 10 में से 4 बीजेपी, 5 कांग्रेस, 1 पर अन्य जीते हुए। नागौर जिले की बात करें 10 सीटें हैं, 6 पर बीजेपी, सिर्फ 2 पर कांग्रेस। नागौर में कांग्रेस बहुत पीछे है, 2 पर अन्य अपना खाता खोलते हुए। पाली में 6 सीटें हैं, 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, 1 पर अन्य। सिरोही की बात करें, सिरोही जिले में 3 सीटें, 1-1-1 तीनों ही कांग्रेस, बीजेपी और अन्य को मिलती हुई। और इस तरह से कुल 43 में से 17 बीजेपी, 17 कांग्रेस और अन्य को 9 सीटें। यहां पर पहली बार पश्चिमी राजस्थान में ऐसा देखने को मिला है कि बीजेपी ने कांग्रेस को कहीं टक्कर दी है। हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी, लेकिन कांग्रेस पिछली बार से बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। सीटों की स्थिति आधी आधी तक होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में बीजेपी काफी अच्छी स्थिति में है बाकी जगहों को देखें तो, लेकिन पिछली बार से काफी कमजोर रहेगा। पूनम भावा पश्चिमी राजस्थान की एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मतलब कहीं तो टक्कर में आई बीजेपी। हाँ, नहीं जी। चित्रा जी, मैं जो जर्नलिस्ट हैं उनके एग्जिट पोल से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। नहीं हूँ, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में एक तो एंटी इनकम्बेंसी लहर कमजोर थी इस क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में। उसका कारण ये था, एक तो जो सरकार की नीतियों से लोग संतुष्ट थे और उससे ज्यादा जब टिकटें बांटी गईं, तो कांग्रेस ने जोधपुर में और पश्चिमी राजस्थान में जो टिकटों का बंटवारा किया वो बहुत सही नहीं था। कारण भी मैं आपको बताती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो टिकटें बांटी अपने प्रत्याशियों की, वो जो बीजेपी के कैंडिडेट्स थे वो दिग्गज थे और उनके सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो बहुत बहुत कमजोर थे। मैं नाम से भी बता सकती हूँ आपको, जैसे कि ओसिया से दिव्या मदेरणा को दिया, जो कि परसरा मदेरणा जी की ग्रैंड डॉटर। मतलब आपको ये लग रहा है मतलब कि कांग्रेस यहां पर बीजेपी को टक्कर दे पाने वाले स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कमजोर कैंडिडेट यहां पर उतारे थे। फाइनल आंकड़ा राजस्थान का क्या कहता है? 200 कुल सीटें हैं राजस्थान में, आपको बता दें 199 पर चुनाव हुए और इनमें 199 में से 62 पर बीजेपी, 113 पर कांग्रेस पार्टी, 101 सीटें चाहिए एमएलए के लिए, यानी कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई राजस्थान में अन्य के खाते में 24 सीटें जाती हुई। पहली बार राहुल गांधी के गोत्र के बारे में भी राजस्थान से ही पूरे देश को पता चला कि उनका दत्तात्रेय गोत्र है। इन सब के बावजूद बीजेपी की कोशिश थी एक लहर पैदा करने की आखिरी वक्त में मोदी जी की रैलियों के जरिए, लेकिन ऐसा वो कर पाने में नाकाम साबित रही। यही कारण है कि 113 के साथ कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार बना रही है पत्रकारों के इस एग्जिट पोल में। नहीं, कांग्रेस सरकार बना रही है इससे मैं काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन इस ये जो पत्रकारों का एग्जिट पोल है इससे मैं सहमत नहीं। कितनी सीटें आप दे रहे हैं? मैं भाजपा को 70 से शुरू करता हूं,
70 से कम हो ही नहीं सकती भाजपा की सीटें, ठीक है, और 70 से 85 तक का मेरा आकलन है, ठीक है विजय। आज एक भाजपा के बड़े नेता से असेंबली जैसी स्थिति होगी, ये कह रहे हैं 70 से बीजेपी शुरू करेगी, मेरे को लगता है कि 70 लास्ट होगा बीजेपी, अगर पहुंचेगी बीजेपी तो 70 लास्ट पहुंचेगी। सचिन पायलट ने ऐलान किया था कि जब तक वहां पर कांग्रेस सरकार नहीं बना लेती है वो साफा बहुत देर तक नहीं पहनेंगे, और इस वजह से कई जगहों पर बस टच करके उन्होंने साफा वापस दे दिया। साफा पहनने का समय आ गया, साफा पहनने का समय, साफा बन ली नहीं, लेकिन साफा कौन पहनेगा, साफा कौन पहनेगा, लेकिन जीत का साफा, साफे में लड़ाई होगी मुख्यमंत्री का, साफा कौन पहनेगा, कांग्रेस पार्टी इसको बड़े तरीके से हल करेगी। राजस्थान में पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या कहता है ये आप देख रहे थे, लेकिन फाइनल नतीजे आंकड़े आएंगे 11 तारीख को और उसके लिए करना होगा आपको इंतजार, लेकिन सबसे तेज नतीजे आपको दिखाएगा सिर्फ एबीपी न्यूज। आप सभी मेहमानों का फिलहाल के लिए शुक्रिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।